मैं डॉक्टर आरपी सिंह होम्योपैथी चिकित्सक आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो मेरा वीडियो देखें। मैंने अब तक लगभग सभी रोगों के लक्षण अनुरूप उपचार वाली वीडियो बना रखी है। यदि आपको परामर्श लेना हो तो मेरे क्लिनिक पर आएँ। मैं आपको होम्योपैथी की कुछ महत्वपूर्ण दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो शरीर के वजन को घटाने से संबंधित है। ये दवाई मोटापे से पीड़ित रोगियों में चयापचय प्रक्रिया को बदलने और नियमित करने के अतिरिक्त वसा को दूर कर शरीर का बढ़ा हुआ वजन घटाती हैं। स्पांजिया टोस्टा, इस दवा का लसिका ग्रंथियों यानी लैम्फेटिक ग्लैंड्स, थायराइड ग्रंथि और दिल पर विशेष असर होता है। इन अंगों पर यह अपने आयोडीन के द्वारा खून ले जाने वाली नलियों से वसा की खराबी के कारण धमनियों के अंदरूनी दीवारों पर रोग पैदा करने वाले पिंडों को बनने से रोकती हैं। फ्यूकस वेस्टिक्यूलोसिस, यह दवा मोटापा दूर करने के लिए एक पुरानी और मशहूर दवा है। इस दवा से आयोडीन की मात्रा अधिक होने के कारण यह थायराइड ग्रंथि के कार्य को तेज करती है और मोटापा कम करती है। यह पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है। ग्रेफाइटिस, यह दवा पाचन तंत्र के उत्तकों को उत्तेजित करती है और शरीर की मुख्य ग्रंथियों के कार्य में कमी को दूर करके उनके स्रावों को बढ़ाती है और नियमित करती है। यह उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके शरीर में अत्यधिक वसा इकट्ठा होने की प्रवृत्ति होती है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम, यह दवा शरीर में सभी स्थितियों में विष के लिए एक महत्वपूर्ण और अनेक रोगों में प्रयोग की जाने वाली बहुआयामी दवा है। यह खून में अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती है और कब्ज तथा सिराओं से खून के बहाव की रुकावट को भी दूर करती है। फास्फोरस, यह दवा शरीर की सभी चयापचयी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं और उत्तकों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। यह अच्छा मूड उत्पन्न करने के लिए स्नायविक यानी नर्वस सिस्टम स्थिति को नियंत्रित करती है और शरीर के सभी अंदरूनी अंगों, हृदय, यकृत, तिल्ली और पाचन प्रणाली के कार्यों को ठीक करती है। टॉक्सकम ऑफिसिनेल, यह दवा पित्ताशय को उत्तेजित करती है और उस प्रकार आंतों में पित्त के बहाव को बढ़ाती है। इसके अलावा पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर और गुर्दों के कार्य को तेज करके यह यकृत में इकट्ठा होने वाले अनावश्यक पदार्थों को कम करती है। धन्यवाद।